नहीं, सबसे पहले क्या है, किसी भी फिल्म की शुरुआत उसके टीजर पोस्टर या ट्रेलर से होती है, वो पहला पड़ाव होता है. और सबसे पहले यही बात होती है कि अगर ट्रेलर लोगों को अच्छा लगे तो वो सोचते हैं कि फिल्म जाकर देखें. तो महाराष्ट्र की जनता ने कितने कम समय में से मिलियंस ऑफ व्यूज़ दिए, उन सभी के उन सभी का मैं आभारी हूँ. और यही आशा है कि 27 अक्टूबर को जाकर वो थिएटर में फिल्म देखें. आपका लैब हरी है सेकंड मूवी आपने जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे क्या मूवी आपने, मतलब ऐसा एक चीज़ जो देखी जो प्रोड्यूस करने के लिए आपने? आई थिंक फास्ट फेने की कहानी और एक ऐसा किरदार जो किताबों से निकल कर अगर बड़े पर्दे पर आता है और एक एडवेंचरस, और क्या है कि बॉय डिटेक्टिव, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं मुझे ऐसी कोई फिल्म मिले करने के लिए जो एक डिटेक्टिव ओरिएंटेड हो, पर एज एन एक्टर नहीं मिली, तो एज अ प्रोड्यूसर मैंने अपनी वो ख्वाहिश पूरी कर ली. एक्चुअली आपने अभी गाना देखा है, वो इट्स अ यूनिक, मेरे लिए यूनिक है क्योंकि एक बीच में मराठी रैप्स के साथ वो स्टार्ट होता है और ऐसे गाना बहुत मुश्किल होगा. पर वो देखना बेटर है एक्चुअली. अच्छा, मेरे गाना इसके पहले आमिर खान ने इस तरह का शौक प्रमोशन किया था मूवी के लिए, उसके बाद में आप कर रहे हैं, तो इसका आइडिया कहाँ से इसका? नहीं, एक्चुअली आइडिया ऐसा होता नहीं है, कोई सजेस्ट करता है, मेरे डायरेक्टर ने सजेस्ट किया कि ऐसा कर सकते हैं क्या, कि मराठी स्पेस में अगर ऐसा हो तो कुछ यूनिक हम लोग ट्राई कर सकते हैं फिल्म के लिए. तो जब मैंने ये गाना भी किया उसके अंदर फिल्म फुटेज भी है, तो ऐसा नहीं है कि गाना फिल्म के बाहर है. तो वी आर एक्चुअली उस गाने में सभी लोग चेकर्ड क्लोथ्स में हैं, छोटे बच्चे भी, छोटे बच्चे एक्चुअली उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जब फास्ट फेने छोटा था किताबों में, पर इस फिल्म में थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो बड़े लोग भी हैं. तो ये दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है, और सारे फास्ट फेने के फ़ैन हैं, इसके लिए वही आइकॉनिक रेड चेकर्ड शर्ट पहनकर ये गाना किया है. एंड होप दैट द ऑडियंस लाइक्स इट. सो रितेश, हाउ डज इट फील बीइंग अ सिंगर प्लस रैपर? ओह नो, दिस इज हार्डली अ सिंगर, इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट बिकॉज इट वाज स्लाइटली ईजियर. आई वाजंट टू श्योर वेदर आई विल बी एबल टू डू इट, बट वी वर प्रिपेयर्ड टू हैव समवन एल्स सिंग इट. सो श्रेयस पुराणिक, हु इज अ ग्रेट सिंगर हिमसेल्फ, ही फोर्स्ड मी टू सिंग. But if I thought that this wasn't happening, then probably I would have asked him to. Would you be able to see him in Bollywood too, singing in a singing career? No, I one step at a time. Let me just finish this first. Thank you. Sir, ये movie में कहीं जाने या मैं उनकी कोई cameo देखने मिलेगी? आप कहाँ से सर? कौन से चैनल से आप? हाँ, Metro Now India. नहीं सर, फिलहाल तो नहीं सर. Okay. Guys, क्या नाम है आपका? कोई Bollywood? So, what is the status of Hotel Mumbai? स्टेटस शुरू होने वाले अजय देवगन जी, इंद्र कुमार प्रोड्यूसर डायरेक्टर है सर, आई शुड गो टू ऑफिस एंड आस्क हिम, क्योंकि वो ही जानते हैं कि इनका फिल्म का स्टेटस क्या है. हाँ जी, आपको पता है कास्टिंग? नहीं अभी नहीं. और सर हमें ये भी बात मालूम पड़ेगी, शिवाजी में शायद बायोपिक बन रहा है और लुक भी आपको सर लग रहा है, और बाहुबली के बाद में ये देखा जाए तो लार्जेस्ट में इसमें टोटल 225 करोड़ के अराउंड बजट आ रहा है इस मूवी का, करोड़ का सर. रियली? इस बार बताइए सर क्या है? अभी तो फिलहाल स्क्रिप्ट ख़त्म हो रही है, जब पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद बजटिंग का होगा. ऐसे तो बजट हवा में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन तो क्या आप दिख सकते हैं? किसमें? शिवाजी महाराज के बायोपिक में. जी हाँ, मैं भी दिख सकता हूँ. लुक हम उसके लिए नहीं, अभी ये सब तो सर राइट नाउ करंटली आई एम अनएम्प्लॉयड, ये मेरा प्रोड्यूसर का लुक है. मराठी सिनेमा को काफ़ी लोग सराहे जा रहे हैं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जो महाराष्ट्रियन है वही देख रहे, काफ़ी अदर लैंग्वेज वाले भी देख रहे हैं और काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, तो व्हाट यू वांट टू से? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा कि जो नॉन महाराष्ट्रियन है जिनको मराठी फिल्म देखनी है, या गैर भाषिक जो लोग होते हैं, चाहे आप गुजराती हो, पंजाबी हो, या इधर राज्य के लोग हो, जो मराठी सिनेमा देखना पसंद करते हैं, ये जानते हुए मुंबई फिल्म कंपनी, जो मेरी फिल्म कंपनी, पहले फिल्म से लेकर अब तक कोई भी फिल्म जब थिएटर में आती है तो सबटाइटल्स के साथ आती है. हमारी यही कोशिश होती है कि अगर किसी को एक सिनेमा अच्छा लगता है, देखना चाहते, समझना चाहते, तो वी हैव द सपोर्ट ऑफ सबटाइटल्स इन द फिल्म. So,
बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ मराठी सिनेमा को काफ़ी प्रमोट करे, जैसे प्रियंका चोपड़ा का भी मराठी में उन्होंने अपना किया है, एंड आप भी इतना मराठी में करते, एनीथिंग यू वांट टू कमेंट ऑन इट? एक्चुअली इट्स नॉट द क्वेश्चन कि हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत धारणा है कि हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद कुछ मैंने सीखा है, मैं हूँ मराठी और मैं पिछले 6 सालों से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मेरी 4थी फिल्म है जो मैंने आप प्रोड्यूस की है, और इसके बाद भी और 2 फिल्में प्रोड्यूस करा, तो एक्चुअली ये एक अच्छी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की हम कोशिश करें, अच्छा प्रोडक्ट लेकर लोगों के पास जाए जिसे देखकर लोग ये कहें कि अच्छी फिल्म बनी है, अच्छी दिख रही है, अच्छी लग रही है, और जो फिल्म काम करती है लोगों का मनोरंजन करे वही वो काम करे। और अगर बड़े बड़े, क्योंकि मराठी क्या है कि रिसेंटली एक सक्सेस पैटर्न अच्छा दिखा है, और उसे देखते ही लोगों को ऐसा लगता है कि एक इंडस्ट्री जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड की इंडस्ट्री ने सोचा कि बहुत बढ़िया यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो जो सारे स्टूडियोज़ हैं बड़े बड़े, फॉक्स स्टूडियोज़ हैं, वॉल्ट डिज्नी हो या वार्नर ब्रदर्स हो या वाईकॉम हो, ये यहाँ पर आके इन्होंने ऑफिस खोले क्योंकि यहाँ का मार्केट है, और यहाँ पर आके हॉलीवुड की फिल्में नहीं बना रहे वो लोग, यहाँ पर आकर भारतीय इंडियन फिल्म बना रहे हैं। उसी तरह जो बड़े बड़े स्टूडियो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जब वो देखते हैं कि मराठी सिनेमा में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है, तो उसका हिस्सा बनने और इंडस्ट्री को और बड़ा करने के लिए अगर वो आते हैं और योगदान करते हैं, तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक फॉर द इंडस्ट्री। और प्रियंका जो मेरी दोस्त है, और उन्होंने वेंटिलेटर जैसी बहुत ही बेहतरीन फिल्म उन्होंने बनाई, सो इट्स ऑलवेज अबाउट कॉन्टेंट कि आप किस कॉन्टेंट को बैक करते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग हैं जो आकर रीजनल सिनेमा को बढ़ावा देंगे। आई फील द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज इन इट्स रीजन, हमारे प्रदेश में अपना हार्ट होता है, और उधर का सिनेमा, उधर का कंटेंट ही अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। दिवाली रिलीज हो रही है। नमस्कार, मैं रितेश देशमुख, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि खुशी से दिवाली मनाइए, बी सेफ, और अगर हो सके तो ग्रीन दिवाली मनाइए, और बस यही, हैप्पी दिवाली। समझ में सवाल आ जाता है बिकॉज देवनागरी है ना, ऑल द स्क्रिप्ट बंगाली एंड हिंदी एंड मराठी और गुजराती पंजाबी, इट्स ऑल सेम स्क्रिप्ट, तो आप अगर बात करो तो समझ में आ जाता है, बट देन स्पीकिंग इज डिफरेंट इन एवरी लैंग्वेज। या थैंक यू। यस यस, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी हिंदी फिल्मों के अलावा किसी भी और लैंग्वेज में फिल्म नहीं किया, एंड दिस इज़ माई 20th फिल्म, एंड इट्स माई फर्स्ट मराठी फिल्म, एंड अभी जबकि सब लोग मेरे हिंदी गाने भी बहुत पसंद कर रहे हैं, नज़म, आज मेरा गाना आया जोगी फ्रॉम शादी में ज़रूर आना, बट ये बहुत अलग है, स्पेशल है। रितेश देशमुख इज़ लाइक माई ओन एल्डर ब्रदर, सो बिकॉज ऑफ हिम मुझे ये शब्द पता चला, भाऊ, जैसे हम बंगाली में दादा बोलते हैं, बंगाली में तो बुजुर्ग लोग भी मुझे दादा बोलते हैं, मैंने कोई भी बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर हो, प्रीतम दा हो या शांतनु मोहित्रा हो या जीत गांगुली हो, सब दादा है, तो मैं भी दादा बन गया सबका, वैसे ही मुझे पता चला भाऊ, इट्स सेम थिंग इन मराठी, एंड आई हैड सो मच फन विद भाऊ, वी डिड अ वीडियो दिस ईयर, मेरा पहला वीडियो था वो, कॉल्ड आइंदा विद सोनी म्यूजिक, तो तभी उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक फिल्म हम कर रहे हैं फास्टर फेने, एंड उन्होंने मुझे बताया कि मराठी लिटरेचर का ये एक बहुत ही फेमस और लव्ड कैरेक्टर है, टीनेज डिटेक्टिव, तो तब मैंने सोचा बहुत इंटरेस्टिंग होगी बात, बट नॉर्मली अगर आप देखें तो मेरा जो फिल्मों में म्यूज़िक है वो रुस्तम हो या बार बार देखो हो या जिसम टू हो, सब मैक्सिमम इज लव सॉन्ग्स एंड सॉफ्टर म्यूज़िक, यू नो, मोर मेलोडिक सॉफ्टर, आई डोंट डू, एक दो किया है मैंने बानी वाला डांस ये वो, बट नॉर्मली नहीं करता मैं उतना धमाल वाला, बट बहुत मज़ा आया इसमें, मेरे साथ मेरा पूरा टीम प्रशांत इंगोले, बिकॉज मैं मराठी समझ लेता हूँ बट बोल नहीं पाता, और भाव को गवाना था, एंड सरप्राइजिंगली भाव ने बहुत अच्छा गाया, एंड इससे पहले मैं काफ़ी सारे एक्टर्स को डब कर चुका हूँ, अक्षय सर, आयुष्मान, एंड हु एल्स, अभिषेक बच्चन, बट
इसमें मतलब मुझे तो लगा भाव प्रिपेयर्ड आए थे सीरियसली, बिकॉज व्हेन ही केम टू डब ना उन्होंने मतलब एकदम कमाल लगाया सीरियसली फॉर एन एक्टर एज गुड एज मोस्ट सिंगर्स ऑलमोस्ट, एंड तो मेरा काम आसान हो गया एंड क्रेडिट्स टू द फुल टीम. और आज मुझे लग रहा है जब जैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं आफ्टर द वीडियो, सीजर ने इतना खूबसूरत कोरियोग्राफी किया, एडली ने इतना खूबसूरत एडिट किया एंड और आज पूरे शो में मैं मराठी फॉलो कर रहा था, अभी मैं थोड़ा इम्प्रूव कर जाऊँगा, एक दो और फिल्म में पूरा सीख जाऊँगा, उसके बाद आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. हाँ माझा सर्वप्रथम मराठी गाणं आहे आणि मराठीच्या सर्वोत्तम कलाकार के साथ बरोबर बरोबर सर्वोत्तम कलाकार के बरोबर हू आई एम सो हैप्पी एंड प्राउडली कॉल हिम माय भाऊ रितेश देशमुख. इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड अ फैंटास्टिक गाय. ही गिव्स क्रेडिट टू एवरीबडी इन्वॉल्व बिकॉज एक कोई भी गाना या फिल्म कितने लोगों का मेहनत होता है. इट्स नॉट मेरा नाम आता है म्यूजिक और को, बट मेरे साथ इतना बड़ा टीम होता है और इतने लोग काम करते हैं, इक्वल मेहनत करते हैं जितना मैं करता हूँ. So it is, kabhi kabhi it doesn't go right, kabhi kabhi it goes great, that's up to God and audience, you know. But I'm really excited because it's my first film and it's around Diwali and the video, I love the video. Maine bhi pehli baar dekha aap logo ke saath, isse pehle maine making ke shots dekhe but pura video nahi dekha tha maine, abhi pehli baar dekha. To bada maza aa raha hai mujhe, I hope that this does better than my Hindi film songs. As you said ki Marathi aapki comfort language nahi hai, so why you choose this movie? बिकॉज भाव टोल्ड मी दैट तू एक मराठी गाना तुझे करना पड़ेगा एंड तेरे जोन में रोमांटिक लव सॉन्ग नहीं है बट आई थिंक यू कैन डू इट, इट्स फास्टर फैन है. तो मुझे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने प्रशांत को फ़ोन किया, बोला कि तू सिट विद आदित्य, हु इज़ द डायरेक्टर आदित्य सर बोधा, एंड उन्होंने हमें बताया स्टोरी क्या है, फास्टर फैन है कौन और उनकी स्टोरीज कैसे, उसका नेचर कैसा है, इंटेलिजेंस, वेट. फिर उन्होंने लिरिक्स लाया मेरे पास, तो आई लव द लिरिक्स एंड आई थिंक पीपल विल लव इट बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल लिरिक्स एंड देन वी ऑल वी वर सिटिंग इन द स्टूडियो, सब लोग एक साथ 10 जन हम लोग विद भाव एंड वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग टुगेदर, वी आर अ ब्लास्ट, बड़ा मज़ा आया एंड आई होप के जब रिलीज हो तो सबको उतना ही मज़ा आया जितना हमको आया. इसका ओके आई नो धड़ पकड़ 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 करे लूत तू फफे 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 चिए गेम ही शुरू. Amazing. Thank you.